पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सदैव सम्य इदमग्र आसीत् एकाम्बा द्वितीयं स्वात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। उद्दालक ने अपने पुत्र को ज्ञान कराया चांदोग्य उपनिषद में सामवेदीय तत्त्वमसि प्रसिद्ध है। इसके ऊपर शुष्क तर्क करने वाले होते हैं, शून्यवादी इत्यादि शुष्क तर्क करते हैं, जिसका कोई आधार न हो है उसको कहा जाता है शुष्क तर्क। शास्त्रीय सम्मत हो वो तो ज्ञान का साधन, संशय का निवर्तक होता है। शुष्क तर्क से किसी का निश्चय नहीं हो पाता है। आत्मज्ञान शुष्क तर्क से नहीं होता है। इसके ऊपर शंका किया, ये बताओ जैसे शून्य का नाम और रूप, शून्य का नाम रूप हाँ तो कल्पित है, तो सद वस्तु में जो नाम रूप भी कल्पित होगा, ऐसा कहा 35 में है। सद रूप के भी जो नाम रूप है वो भी क्या होगा, कल्पित होगा, वो भी कल्पित होगा। ऐसा यदि कहा जाएगा तो बताओ स्वयं जो है सद वस्तु के नाम रूप कल्पित कहाँ पर कल्पित है, दिखाना होगा है। तो कहते हैं निरधिष्ठानो न भ्रम क्वचित इच्छते। बिना अधिष्ठान का भ्रम कभी होता नहीं है ना भाई, 35 नंबर में ही चल रहा था। बिना अधिष्ठान का भ्रम होता है। अधिष्ठान किसे कहते हैं, जिसके अज्ञान से भ्रम होता है उसको कहते हैं अधिष्ठान, और जिसके ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति होती है उसको कहते हैं अधिष्ठान। ध्यान में रखो, अधिष्ठान के अज्ञान से भ्रम, ठीक है। जैसे व्यवहार में रस्सी हो गई, रस्सी को न जानने पर सर्प का भ्रम होगा, तो सर्प का अधिष्ठान रस्सी व्यवहार में है ना। क्योंकि वेदांत सिद्धांत के अनुसार रज्जु अवच्छिन्न चेतन होता है, तो समझाने के लिए रस्सी कह लो है ना। तो रज्जु है रस्सी, रस्सी हो गया अधिष्ठान किसका, सर्प का। उसको न जानने से सर्प का भ्रम होता है, कि रस्सी भी न हो तब भी सर्प का भ्रम होगा, ऐसा नहीं। धर्माया ठीक है, ये सिद्धांत देखो, जिसके अज्ञान से भ्रम होता है उसे कहते हैं अधिष्ठान, और जिसके ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी वो भी अधिष्ठान है। ये अधिष्ठान का स्वरूप होता है, क्या है,
जिसके अज्ञान से भ्रम हो जाए, जिसके ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति हो जाए, उसे कहते हैं अधिष्ठान। रज्जु को न जानने पर सर्प का भ्रम होता है, पूर्व संस्कार भी हो, पूर्व संस्कार आदि हैं, धर्माधर्म ये सब क्या है, सहकारी कारण है। मुख्यतः कौन? अज्ञान है, रज्जु को न जानना, रज्जु को विषय करने वाला जो अज्ञान है उससे भ्रम होता है सर्प का, ठीक है। और यम रज्जु हो, ये ज्ञान हो गया तो भ्रम की निवृत्ति हो गई, ठीक है। भ्रम काल में तो भ्रम की सिद्धि नहीं होती है, जिससे भ्रम हो रहा है ये भ्रम है ये कहाँ ज्ञान होता है, नहीं होता है। भ्रम की सिद्धि कब होती है? अधिष्ठान का जब ज्ञान हो जाता है तब भ्रम की सिद्धि होती है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये अधिष्ठान समझ में आया, जिसके अज्ञान से भ्रम होता है और जिसके ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति होती है, और जिसके ज्ञान से भ्रम की सिद्धि भी होती है, ये भी समझ लो। रस्सी का ज्ञान हो गया तो भ्रम की सिद्धि, मतलब ये, अरे ये तो भ्रम था। दोनों को बोले किसको? अज्ञान से वो तो अधिष्ठान एक ही हुआ ना, अज्ञान से भ्रम होता है, ज्ञान से भ्रम, भ्रम जो ना, जिसके अज्ञान से भ्रम हुआ। किसके अज्ञान से भ्रम हुआ? अरे किसको ना जानने पर सर्प का भ्रम हुआ, बोलो। रस्सी, लेकिन ये रस्सी हो गई अधिष्ठान, किसका? सर्प का है, और रस्सी के ज्ञान से सर्प का भ्रम भी हो गया है। एक ही चीज़ हो गई, एक ही चीज़ कैसे हुई? पहले अज्ञान से भ्रम हुआ और ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति हो गई, एक ही चीज़ कैसे हुई? एक ही कैसे हुई? रस्सी एक ही बोलो, रस्सी एक ही बोलो, रस्सी एक ही बोलो, है ना। पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया, दोनों का विषय एक बोलो, अज्ञान का और ज्ञान का विषय एक हो गया। ये तीन बातें देखो, तीन बातें, ठीक है। जिसके अज्ञान से मिट करो, जिसके अज्ञान से क्या हुआ? हाँ बोलो, आए निवृत्ति और सिद्धि में ये फर्क है कि निवृत्ति मतलब क्या है, उसके अत्यंत भाव का निश्चय, ये हो गया निवृत्ति। निवृत्ति मतलब क्या है? सर्प के अत्यंत भाव का निश्चय, यही निवृत्ति है। बाद कह लो, सर्प का बाद होता है, ठीक है। नहीं, तीनों काल में सर्प का अत्यंत भाव है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, सुन में ना। और सिद्धि करने से क्या हुआ? बोलते हैं सर्प का भ्रम था, क्या है, क्या समय है? सर्प का भ्रम था, ये भ्रम की सिद्धि मतलब ये है, मतलब सर्प का जो ज्ञान हो रहा था वो वास्तविक नहीं, वो मिथ्या था, ये होता, ठीक है। क्या राजू ठीक है? हाँ आगे बढ़ें। तो ये होता है वेदांत के अनुसार अधिष्ठान। अब तुम यदि अधिष्ठान नहीं मानोगे, कोई अधिष्ठान है ही नहीं, सर्वम शून्यम शून्य, हाँ तो भ्रम की सिद्धि कहाँ से होगी? तो भ्रम कहाँ से होगा तुमको, है कि नहीं? भ्रम ये सद सद वस्तु का नाम रूप भ्रम, भ्रम है ये, कैसे कहोगे? रसी ना हो तो सर्प का भ्रम था, कैसे कहोगे? कहाँ पर होगा आपको? इसलिए कह रहे हैं आगे बढ़ो। निरधिष्ठानो न भ्रम क्वचित इच्छते, कहीं भी नहीं देखा जाता है कि बिना अधिष्ठान का भ्रम होता हो। हम लोग टीका देख रहे थे भाई, विकल्प असहत्वात् अयम पक्ष एव अनुपन्नम अनुपन्नः, विकल्पम असहते है, विकल्पम असहते इति विकल्पासह, मतलब विकल्प जो हम करने जा रहे हैं उसका तुम सहन नहीं कर पाओगे, मतलब इसका उत्तर तुम दे नहीं पाओगे, ये तुम्हारा सिद्धांत बनेगा नहीं। निरुत्तर हो जाएगा तो क्या होगा? अपसिद्धांत हो जाएगा,
तुम्हारा सिद्धांत क्या हो जाएगा? अव्यय सिद्धांत, ठीक है ना? कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास, हैं? तो सिद्धांत यदि है तो उत्तर होना चाहिए कि नहीं? तुम्हारा सिद्धांत ये यथार्थ है तो हमारे प्रश्न का उत्तर होना चाहिए तुम्हारे पास, ये कह रहे हैं। विकल्प असत्वात अयम पक्ष, तुम्हारा जो पक्ष है शून्यवादी का, अयम पक्ष ही वनपन्नम, तुम्हारा पक्ष तो बन नहीं सकता, ठीक है? इति अभिप्रायणा, इसी में अटक जाते हैं वो लोग, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसी में शून्यवादी अटक जाते हैं, उत्तर नहीं मिलता उनके पास वेदांतियों के प्रश्नों का। अयम अभिप्राय, ये अभिप्राय देखो, सतो नाम रूपे, वो कह रहे हैं देखो, सद वस्तु सद ब्रह्मा है, सद ब्रह्मा का नाम रूप, ये भी कल्पित कह रहे हो, ये भी कल्पित कह रहे हो, तो कहाँ पर कल्पित है बताओ? किम सती कल्पित है उत असती, देखो हैं, सत का नाम रूप सत में कल्पित कह रहे हो अथवा असत वस्तु में? सत सत में कल्पित है कि असत में कल्पित है, ये विचार कर रहे हैं। सत वस्तु सत में कल्पित है कि असत वस्तु में कल्पित है ना? अच्छा, अथवा जगति, अथवा जगत में कल्पित है, ठीक है? ना आद्य, अरे भाई सत का नाम रूप सत में कल्पित कहोगे तो स्वयं स्वयं का अधिष्ठान नहीं होता है। सर्प का अधिष्ठान सर्प है कि रस्सी है? स्वयं का अधिष्ठान स्वयं नहीं होता है, कल्पित वस्तु का अधिष्ठान कल्पित वस्तु नहीं होती है, ध्यान में रखो, ठीक है? सर्प का अधिष्ठान स्वयं सर्प नहीं होता है, सर्प का अधिष्ठान कौन? रस्सी होती है ना, मैं ये कह रहे हैं। देखो आज स्वयं यदि कल्पित हो गया तो फिर अधिष्ठान कौन बनेगा फिर? क्या स्वयं यदि कल्पित हो गया सर्प तो सर्प का अधिष्ठान कौन बनेगा फिर? इसी प्रकार जब व्यावहारिक सत्ता है रज्जु, रज्जु भी कल्पित है वेदांत के अनुसार, रज्जु कल्पित कहाँ? रज्जु रज्जु में कल्पित है कि अन्यत्र कहाँ? हाँ अन्यत्र कहाँ पर? रस्सी रस्सी में कल्पित है, आए? अरे रज्जु रस्सी कहाँ पर कल्पित है? रज्जु, और रज्जु कहाँ पर कल्पित है? रस्सी। अरे अरे भाई रज्जु संस्कृत में बोलते हैं और रस्सी हिंदी में बोलते हैं, रस्सी कहाँ पर कल्पित है? रज्जु में, और रज्जु कहाँ पर कल्पित है? रस्सी में। वाह भाई तो बड़ा कठिन मामला है। चलो हाँ, कल्पित वस्तु, कल्पित वस्तु में कल्पित नहीं होता है, अन्यत्र कल्पित होता है। चलो ब्रह्मा में कल्पित होता है वेदांत के अनुसार, रस्सी कहाँ पर है? ब्रह्मा में होता है। अब ब्रह्मा भी कल्पित होगा तो कहाँ पर कल्पित होगा? स्वयं यदि स्वयं में कल्पित हो जाएगा तो अधिष्ठान फिर कौन बनेगा? और कोई मानना पड़ेगा ना। चलो ये कह रहे न आद्य, तीन पक्ष है, अन्य रजतादिर नाम रूपयोर अन्यत्र सुक्तिकादौ आरोप दर्शना। अरे सर्प हमेशा क्यों बोल रहे हैं? चांदी का दृष्टांत दे लो, है कि नहीं? अन्य से रजत आदि, रजत चांदी, चांदी चांदी जो चमकता है, चांदी का नाम, चांदी का रूप, है कि नहीं? जो सूर्य का प्रकाश जो दिखता है नदी में हो, समुद्र किनारे में हो, उसमें जो सुक्ति का सिप्पी, सिप्पी शक्ति का सीपी को बोलते हैं सीपी, ठीक है? तो सीपी चमकती है तो चांदी की तरह दिखाई देता है। देखो कितना सुंदर चांदी दिख रहा है, वो क्या है? बोले चांदी है वो, सुनने मात्र ये क्या नाम, और देखा तो रूप हो गया, नाम और रूप, ठीक है? चांदी का नाम, चांदी का रूप कहाँ पर भास रहा है? कहाँ पर? सीपी में भास रहा है, शक्ति कहाँ भास रहा है? क्योंकि अधिष्ठान शक्ति का है, शक्ति का रूपी अधिष्ठान में रजत के चांदी के नाम रूप भासते हैं,
है कि नहीं। क्यों सुक्ति का अधिष्ठान क्यों है? क्योंकि सुक्तिका का ज्ञान होने पर रजत भासता है, रजत का भ्रम हो रहा है ना। अब सुक्तिका को विशेष रूप से न जानने पर इदम के रूप से जान रहे हो, यह करके ये सुक्तिका ही सुक्तित्व न है, सुक्तित्व सुक्तिकात्व न नहीं जान रहे, ये सुक्ति ही है, ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा, विशेष ज्ञान नहीं हो रहा। विशेष ज्ञान न होने पर भ्रम और विशेष ज्ञान होने पर भ्रम की निवृत्ति, दोनों में अंतर है ना। सामान्य ज्ञान हो, विशेष ज्ञान न हो, ये होता है अधिष्ठान। हाँ, ये पर अर्थ परिष्कार कर लेता हूँ। हाँ, जिसका सामान्य ज्ञान हो, जिसका सामान्य ज्ञान होते हुए विशेष ज्ञान न हो तो भ्रम हो, ठीक है। जिसके सामान्य ज्ञान होते हुए विशेष ज्ञान न होने पर भ्रम होता हो, उसे कहा जाता है अधिष्ठान। क्या होता है? अधिष्ठान। बस में इधर सुक्तिका में अधिष्ठान आता है, हाँ, तो उसका अवच्छेद क्या होगा? उसका सामान्य ज्ञान हो और विशेष ज्ञान हो, यह करके ज्ञान हो, यह करके, और सुक्तिका ही है ऐसा विशेष ज्ञान, तब जा करके सुक्ति अधिष्ठान बनती है रजत भ्रम के प्रति। बस में ना ऐसा होता है। चलो, अन्यस्य रजतादेर नाम रूपयोर अन्यत्र सुक्तिकादो आरोप दर्शनात्। आरोप होता है, आरोप होता है, ठीक है। और सतो नाम रूपयोर सतीव कल्पना अयोगात्। कल्पना के बाद अवग्रह करो, है अवग्रह कल्पना, ना के बाद एक अवग्रह चिन्ह करो, कल्पना अयोगात, विच्छेद करेंगे तो कल्पना अयोगात, नहीं तो अवग्रह न हो तो योगात कर दोगे, हैं। तो सत के सद ब्रह्म के नाम रूप यदि सद ब्रह्म में कल्पित करोगे, हाँ, ऐसा होगा कभी? रजत का नाम रूप कहाँ पर? रजत में कल्पित है कि सुक्तिका में? सुक्तिका में होता है, हैं। और सद ब्रह्म के नाम रूप की कल्पना कहाँ पर? सद ब्रह्म में कर सकते हो? नहीं कर सकते, अन्य क्यों अधिष्ठान होना चाहिए, हैं, ये संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, न द्वितीय दूसरा पक्ष क्या है? सद ब्रह्म के नाम रूप असत पदार्थ में कल्पित है, असत ही मतलब असत पदार्थ में, हाँ, ये भी नहीं बनेगा। अरे असत तो कहने से क्या हुआ? उसमें तो हैं उसकी सत्ता ही नहीं है, क्या है? असत वस्तु की सत्ता ही नहीं है, हाँ। वहाँ पर एक पुत्र है, कौन सा पुत्र है? बंध्या पुत्र है। ये मुकुट ले लो, उसको पहनाओ मुकुट, उसकी बारातें निकलेगी, किसकी? बंध्या पुत्र की। तो होगा संभव? बंध्या पुत्र है ही नहीं तो मुकुट कहाँ पहना होगा? सत ना है, सत ब्रह्म के नाम रूप असत पदार्थ में कल्पित, असत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो उसमें कहाँ ब्रह्म होगा, आरोप कैसे होगा, ठीक है ना। ये कह रहे ना द्वितीय असत्तो निरात्मकस्य। अरे असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है, निरात्मक मतलब उसका स्वरूप ही नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं तुच्छ। क्या बोलते हैं? तुच्छ, है ना, हाँ। इसीलिए क्वचित अपि उपाधो सत्वेन अनर्हतम तुच्छत्तम, क्वचित अपि उपाधो सत्वेन प्रतीति अनर्हतम, इसको बोलते तुच्छ असत। किसी भी अधिष्ठान में जो सत के रूप से ना भासे, है के रूप से ना भासे, उसको बोलते हैं तुच्छ। क्या बोलते हैं? तुच्छ। बंध्या पुत्र, खरगोश का सिंह, है ना, उसको कहते हैं तुच्छ असत, ठीक है। इसी प्रकार जो है असत वस्तु में तो नाम रूप की कल्पना नहीं हो सकती है ना, ना देते असत वो निरात्मकस्य, असत वस्तु तो निरात्मक स्वरूप ही नहीं है, इसलिए अधिष्ठानत्व तो अयोगा, अधिष्ठान बनता, ठीक है। फिर असत वस्तु किसी का अधिष्ठान बनती नहीं है, है ना भाई। न तृतीय
तीसरा पक्ष क्या था आपको आज पुस्तक नहीं ना, चलो कोई बात ना। तृतीय तीसरा पक्ष क्या है, अरे जगत में कल्पित हो जाएगा, सद ब्रह्म के नाम रूप जगत में है, कहाँ पर आरोपित, अध्यस्त जगत, ये भी नहीं बनेगा। कैसे देखो, सतः उत्पन्नस्य जगतः, अरे भाई जगत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, सद ब्रह्म से होती है, सद वस्तु से जगत की उत्पत्ति। यतो वा इमानी भूताने जानते ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म, ओ ब्रह्म है। जन्मादिस्य यतः, सद ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति। देखो सतः उत्पन्नस्य जगतः सन् है, जगतः सन् नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्व अनुपत्ति। अरे जो जगत सद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है कि नहीं, देखो अधिष्ठान पहले होता है कि जो है भ्रांति विषय पहले होता है, रस्सी पहले कि सर्प पहले है, अधिष्ठान पहले होती है ना, अब भ्रम सर्प, भ्रम का विषय सर्प और बाद में होता है, नहीं भाई। इसी प्रकार से जगत है, जगत उत्पन्न हो रहा है किससे, सद ब्रह्म से, इसका मतलब जगत बाद में है और सद ब्रह्म पहले है। जो वस्तु बाद में हो रही है हैं, वो वस्तु पहले वाले वस्तु का अधिष्ठान कैसे बनेगा अधिष्ठान नहीं बन सकता है, समझ में ना। इसलिए सत के नाम रूप की कल्पना है जगत में नहीं कर सकते, कहाँ पर नहीं कर सकते, जगत अधिष्ठान नहीं बन सकता है, क्योंकि जगत तो बाद में उत्पन्न हो रहा है, वो अधिष्ठान कहाँ से बनेगा, ये होता है, ठीक है ना। सता उत्पन्नस्य जगतः सन् नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्व अनुपत्ते, है ना। इले जगत ब्रह्म का अधिष्ठान नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा महाभूत अधिष्ठानम, अरे अधिष्ठान न हो तो क्या आपत्ति आपको हो रही है, इसका कोई अधिष्ठान नहीं है। जो भ्रम हो रहा है, सत का ना कोई नाम है ना कोई रूप है, मतलब है ही नहीं, ये सब भ्रांति है बोलते ना। ये सारा जो नाम रूप, ना जगत का कोई नाम रूप है ना सद ब्रह्म का कोई नाम रूप, ना है ही नहीं पदार्थ, ये सब भ्रांति बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं इसका क्या अधिष्ठान है, कोई भी अधिष्ठान नहीं। अरे कोई भी अधिष्ठान नहीं कैसे कहोगे, सारा संसार जब भ्रांत है, मतलब भ्रांति भ्रम है, इसका कोई अधिष्ठान नहीं है कहोगे, ऐसा कभी होता है क्या बिना अधिष्ठान का भ्रम, इसी में अटकते हैं शून्यवादी लोग। सर्वम शून्यम शून्यम, मतलब क्या कोई भी पदार्थ है ही नहीं, हाँ इसका अधिष्ठान, अरे अधिष्ठान नहीं, अधिष्ठान मानने की क्या आवश्यकता है, अधिष्ठान को यदि मान लिया तो शून्यवाद खत्म, शून्यवाद नहीं होगा। अधिष्ठान को मान लिया तो शून्यवाद होगा, शून्यवाद कहाँ, ये वस्तु आपने मान लिया हाँ, और अधिष्ठान नहीं मानेंगे तो अपसिद्धान हो जाएगा। बिना अधिष्ठान का कभी भ्रम होता बस, ठीक है। इतना तो सिद्ध कर दिया कि सर्वम क्या है, शून्यम शून्यम, सब कुछ भ्रांत है, सब कुछ भ्रांति, ये भी हम भी मानते हैं क्या है, सारा जगत है ही नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसका अधिष्ठान भी नहीं है, ये संभव, अधिष्ठान तो मानना पड़ता है, लेकिन बस यहाँ तक आकर रुक गए। महाभूत अधिष्ठानम, अरे अधिष्ठान को मानने की क्या आवश्यकता है, अनयोः कल्पना किं न स्यात्, बिना अधिष्ठान की कल्पना क्यों ना हो, नाम रूप की कल्पना क्यों ना हो, ऐसी आशंका होने पर बोल दिया निरधिष्ठानो न भ्रम। श्लोक में क्या कहा, निरधिष्ठानो न भ्रम क्वचित इच्छति, कहीं भी बिना अधिष्ठान का भ्रम किसी को भी होता नहीं है, ठीक है ना। अधिष्ठान होता है, अधिष्ठान के बिना भ्रम कभी नहीं होता है ना। अच्छा 34 नंबर देखो, आए
आए एक ही एक ही है, एक ही है। हाँ वो भी, वो तो भ्रांति है और क्या है, पर्यायवाचक है, पर्यायवाचक होता है, भ्रम को भ्रांति को पर्यायवाचक है। 36 नंबर, ननु असदेव इदम अग्र आसित छांदोग्य माया, असदेव इदम अग्र आसित छांदोग्य माया इत्यत्र यथा व्याघात उक्त। देखो असदेव इदम अग्रे आसित, सृष्टि से पहले असत ही था, असत था, ठीक है, असत था, था कहने से क्या है, सत्ता है, सत है, आसित का अर्थ क्या है, सत है, मतलब क्या, असत था, मतलब असत नाम की वस्तु थी, सत्ता को मान लिया कि नहीं, सत्ता को यदि मान लिया तो असत कहाँ हुआ फिर, हाँ असत कहाँ हुआ, शून्य कहाँ से हुआ फिर, एक वस्तु तो है सत नाम की वस्तु है, लेकिन व्याघात हो गया कि नहीं, क्या हो गया, हाँ असत था कह रहे हैं, था कहने सत्ता है कि नहीं, सत्ता को जब मान लिया तो असत बात कहाँ से हुआ, शून्यवाद कहाँ से हुआ, तब व्याघात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्याघात हो जाएगा। ये दोष दिया किसने, दिया सिद्धांति ने, वेदांति ने दिया, अब पूर्व पक्षी बोल रहा हमारी बात भी सुनो, आप दोष देते हो हम भी तो दोष दे सकते हैं भी तुम्हारे सिद्धांत में, कैसे, तथा सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत, हैं उद्दालक पोता रहे हैं अपने पुत्र को, हे पुत्र सृष्टि से पहले ये जो इदम नाम रूप जगत अग्रे मतलब सृष्टि से पहले क्या था, सदैव आसीत, सत ही था, इधर सत बोल रहे हो इधर था कह रहे हो, क्या कह रहे हो, सत भी कह रहे हो और इधर था भी कह रहे हो, तो पुनरोक्ति नहीं हो जाएगी, सत था तो सत तो एक है वस्तु और इधर क्या कह रहे हो, अस्ति मतलब ये भी सत्ता है, तो कितना हो गया फिर, तो क्या सत था, था का मतलब क्या है, सत्ता, असत बोले ब्रह्म है कि वो भी सत्य, तो दो कितना पदार्थ हो गए, दो सत था, था मतलब सत्ता, असत मतलब कौन, ब्रह्म, तो दो कितना वस्तु हो गई, दो वस्तु हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन ये बात कह रहे हैं तथा सदैव सम्य इदम ग्रे आसित इत्यत्रापि दोषो अस्ति, यहाँ पर भी दोष हो जाएगा भी, है ना, हाँ इसको कहते हैं पुनरोक्ति, क्या बोलते हैं, पुनरोक्ति, अरे सत कहने से तो सत्ता है ही और था भी कह रहे हो, तो क्या हो गया फिर, पुनरोक्ति नहीं होगी आप पुनरोक्ति नहीं मानेंगे तो दो पदार्थ हो जाएंगे फिर, हाँ सत सत शब्द का एक अर्थ हो गया परब्रह्म, और आसित कहने से आसित शब्द का अर्थ क्या है, सत्ता, और दोनों का अर्थ एक कहोगे तो पुनरोक्ति हो जाएगी, आप दोनों का अर्थ अलग अलग कहोगे तो द्वैतापत्ति आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हाँ जैसे घट था, घट था तो घट शब्द का अर्थ है क्या, जहाँ पानी भरते हो, आ था कहने से क्या है, उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, तो दो पदार्थ हुए कि नहीं हुए घटो अस्थि कहने से, ठीक है, इसमें ब्रह्म था कहने से क्या है, हाँ ब्रह्म एक वस्तु है और आसित एक था कहने से क्या, सत्ता हुआ, अस्तित्व हो गया, दो वस्तु हो गए, और दोनों का अर्थ एक का होगा तो पुनरोक्ति हो जाएगी, ये दोष है, ये कह रहा है, क्योंकि जैसे घटा कलश ऐसा प्रयोग नहीं होता है, घटा शब्द का जो अर्थ होगा कलश शब्द का वो अर्थ होगा, हैं क्या है यहाँ पर घटा कलश ऐसा नहीं बोला जाता है, घट कहोगे नहीं तो कलश कहोगे, घट कलश ऐसा नहीं बोला जाता है ना, दोष पुनरोक्ति दोष बोलते हैं उसको, चलो सदा सिदिति शब्दार्थ भेदे द्विगुण्यमापतेत,
आपके पुस्तक में वैगुण्य है कि देगुण्य है? वैगुण्य है। हाँ, देगुण्य होने से अच्छा है, देगुण्य करो। क्या है? हाँ, देगुण्य करिए। द्वैगुण्य, बॉ के नीचे द, द्वैगुण्य, ठीक है। अभेदे पुनरुक्ति स्यान्, मैवं लोके तत्क्षणात्, देखो भाई, ये शून्यवादी बोल रहा है, शून्यवादी। बुद्ध के चार सिद्धांत है कि नहीं? मुख्य सिद्धांत कौन है? माध्यमिक, शून्यवादी। सर्वम शून्यम शून्य है ना, उनकी ओर से शंका। सद आसित, उद्दालक बोलेंगे सदैव समय इदम क्रिया आसित, सृष्टि से पहले सत था। हिंदी में क्या कहेंगे? सत था। ये शब्दों को लेकर बोल रहा है। शब्दार्थ भेदे, दो शब्दों का अर्थ यदि अलग अलग हुआ तो क्या होगा? द्वैगुण्यम आपत्ति, द्वैतापत्ति हो जाएगी ना। और आप तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते एक ही आवाज होती है, एक आवाज होते हम कहाँ हो। सत शब्द का अर्थ ब्रह्म और आसित का अर्थ क्या है? सत्ता, अस्तित्व। दो हो गए कि नहीं हो गए? दो हो गए ना। इस प्रकार व्यवहार में तो मैं हूँ बोलते हो, क्या बोलते हो? मैं हूँ। मैं का अर्थ क्या? आत्मा। और हूँ का अर्थ क्या? सत्ता। हाँ, दो अर्थ हो गया। इस प्रकार ब्रह्म था सृष्टि से पहले, ब्रह्म एक है और आसित कहने उसकी सत्ता है, अस्तित्व है। दो हो गए नहीं? तो दोनों शब्दों का अर्थ ये अलग अलग होगे, अर्थ भेद होने पर क्या होगा? द्वैगुण्यम आपत्ति, द्वैतापत्ति है ना, द्वैतापत्ति हो जाएगी। द्वैत हो गया ना, द्वैत हो गया। द्वैत होगा तो क्या होगा? द्वैत होगा तो बोलो भाई, द्वैत होगा तो कौन सा दो, कौन सा हुआ फिर? विजातीय भेद हो गया। क्या हो गया? विजातीय भेद। आप तो कह रहे हो अद्वैत के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, फिर अद्वैत तो है ही नहीं फिर। हाँ, अद्वैत न हो तो अद्वैत का ज्ञान कहाँ से होगा? अद्वैत नहीं है और अद्वैत की भावना करोगे, वो क्या ज्ञान हुआ कि उपासना हुई? वो उपासना है। क्या है वो? उपासना। सुनमाया? अद्वैत नहीं है, अद्वैत नहीं है और अद्वैत का ये ज्ञान हो तो यथार्थ होगा कि मिथ्या होगा? मिथ्या ज्ञान होगा वो। अद्वैत वस्तु नहीं है, रज्जु में सर्प नहीं है, आपको सर्प का ज्ञान होगा तो वो ज्ञान को क्या कहोगे? हैं, मिथ्या ज्ञान। यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, अयथार्थ मिथ्या ज्ञान हुआ। और मिथ्या ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी फिर। लेकिन अद्वैत नाम की चीज़ नहीं है और को अगर नहीं अद्वैत है तो ज्ञान को क्या कहा जाएगा? मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। और मिथ्या ज्ञान से तो अज्ञान की निवृत्ति होगी नहीं और अपसिद्धान भी हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई? ऐसा आश्रुति पे क्यों कह दिया कि तत्त्वमसि क्यों कह दिया कि अयम आत्म ब्रह्म क्यों? अरे भाई, उपासना के लिए। क्या है ये? हाँ, ये द्वैत, द्वैतवादी लोग यही बोलते हैं, अरे उपासना के लिए, अद्वैत नहीं है। फिर भी श्रुति जो अद्वैत का कथन करती है वो किसके लिए? उपासना के लिए। किसके लिए? उपासना के लिए। जी ब्रह्म नहीं है फिर भी मैं ब्रह्म हूँ, भाई ये उपासना है। क्या कहेंगे? उपासना के, ठीक है। और वस्तु नहीं है और उसकी भावना करेंगे तो फल हो जाएगा, बोले फल हो जाएगा, क्या आपत्ति है? उपासना से भी फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहते हैं, ठीक है। शब्द का अर्थ नहीं है, शब्द का अर्थ नहीं है फिर भी शब्द का पाठ करेंगे तो हाँ पुण्य होगा कि नहीं होगा? मीमांसक लोग यही बोलेंगे, अरे ये सब वेदांत जितने भी है ना, सब पाठ करने के लिए। क्या है ये महावाक्य वगैरह जितने भी है सब क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है, अद्वैत नाम की कोई वस्तु तो है नहीं, है कि नहीं? इसलिए किसके लिए कहा गया? भाई पाठ करो,
जैसे बिच्छू का मंत्र होता है, सर्प का मंत्र होता है, कहाँ अर्थ है? अर्थ कुछ भी नहीं है, पाठ करो। गणानंत्र गणपति को पाठ करते कि नहीं पंडित लोग? क्या अर्थ का ज्ञान है? बोलो, पंडित जी को अर्थ का ज्ञान है क्या? नहीं है। तो पाठ करते हैं तो पुण्य होता है कि नहीं? स्वर्ग मिलता है कि नहीं? है ना? ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, मीमांसक लोग, मीमांसक लोग, वेदवादी लोग, ठीक है। इसे शून्यवादी ही बोल रहा है, ठीक है ना। तो शब्द अर्थ वेदे देगुण्यम आपत्ति, द्वेत आपत्ति आ जाएगी। हैं तो हाँ, अच्छा आगे अभेदे, दो शब्द का अर्थ यदि एक हुआ किसका? हैं सत आसित, सत आसित, ठीक है। तो अभेदे पुनरोक्ति, अरे दोनों शब्द का अर्थ यदि एक ही हुआ तो पुनरोक्ति दोष हो जाएगा, ठीक है। समान अर्थ का दो शब्द का सह प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे घट कलश हो, घट अस्थि कहोगे नहीं तो कलश अस्थि कहोगे, ठीक है भैया, ऐसा कहा जाता है। घटो अस्थि, अस्थि अस्थि ऐसा बोलेंगे? ऐसा भी नहीं कहा जाता है। और घटा घटा ऐसा भी नहीं बोला जाता है। घट कलश ऐसा भी नहीं कहा जाता है, ठीक है नारायण। अभेदे पुनरोक्ति सियाद, अभेद मानोगे तो पुनरोक्ति हो जाएगी। अभेद मतलब किस किस का अर्थ है कपिल? अभेद मतलब क्या हुआ? सत शब्द का जो अर्थ है, आसित का अर्थ यदि एक हुआ तो पुनरोक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसा यदि कहा जाए तो नैवम सिद्धांत बोल रहे, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा कहना एवं माँ, माँ एवं वृद्धि हो गई, माँ एवं मैवम मतलब क्या है? ऐसी बात नहीं है, हैं ना, द्वैतापत्ति होगी ना पुनरोक्ति होगी। माँ एवं का अर्थ क्या हुआ? ना द्वैतापत्ति होगी ना पुनरोक्ति दोष, कुछ भी नहीं। फिर कैसे बोलते हैं कि वो कहते हैं लोके तथा इक्षणा, लोक मतलब व्यवहार, व्यवहार में तथा इक्षण ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया, प्रयोग देखा गया, ऐसा कोई आपत्ति नहीं, प्रयोग देखा गया। ये बताएंगे अगले श्लोक में बताया जाएगा, टीका थोड़े से देख लो। तथा ही सत आसित शब्द भेदयोर अर्थ भेदो अस्ति, नवा पूछा जा रहा है। सत आसित, सत था सृष्टि से पहले, सत था यानी भाई ये जो शब्द भेद है, जो दो शब्द अलग अलग है तो अर्थ भेद अस्ति, दोनों का अर्थ हाँ में भेद है कि नहीं है पूछा जा रहा है दो पक्ष करके। हाँ जो सत और आसित दोनों शब्दों का जो अर्थ है, अर्थ में भेद है कि भेद नहीं है। पहला पक्ष क्या हुआ? भेद है। ऐसा यदि कहोगे तो हैं अस्ति चेत अद्वैत हारी, तुम्हारा सिद्धांत क्या है? अद्वैत सिद्धांत बना है, अद्वैत नहीं है। और बोलोगे नहीं अद्वैत है, अद्वैत है तो कहाँ अद्वैत हुआ? अपसिद्धांत हो गया। अद्वैत नहीं है और अद्वैत है कहोगे तो अपसिद्धांत, ठीक है, अपसिद्धांत हो गया। अद्वैत नाम की कोई चीज़ होता ना, नास्ति चेत आप दो शब्दों के अर्थ में भेद नहीं कहोगे तो पुनरोक्ति स्यात्, पुनरोक्ति दोष हो जाएगा, ठीक है नारायण। अतः सत आसीत इति अनुपन्नम है ना, इसलिए सत था जो कह रहे हो ये बात नहीं बनी, अनुपन्न अप्रामाणिक। क्या है? अप्रामाणिक। कौन बोल रहे? शून्यवादी है। तब उत्तर दिया जाएगा द्वितीयम पक्षम आदाय परिहरति, जो दो विकल्प किया ना, दूसरा विकल्प क्या है? हाँ दूसरा विकल्प क्या है? दो शब्दों के अर्थों में भेद नहीं है, अस्ति नंबर कहा ना, भेद है कि भेद नहीं है? हैं तो भेद नहीं है। क्या है सिद्धांत? क्या बोल रहे हैं? जिसको सत शब्द से कहा गया
उसी को आसित शब्द से कहा गया, ठीक है भाई। जिसको सत शब्द से कहते हो उसी को आसित शब्द से कहा जाता है। ध्यान रखो, मैं हूँ व्यवहार में भी मैं हूँ, मैं का अर्थ क्या है आत्मा, और हूँ का अर्थ अस्ति, दो पदार्थ है नहीं अस्तित्व आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं। जब भी आत्मा का भान होता है मैं हूँ करके ही भान होता है कि नहीं, इसलिए अस्तित्व आत्मा से अतिरिक्त नहीं होता। अस्तित्व आत्मा का स्वरूप ही है, क्या है अस्तित्व आत्मा का स्वरूप ही है। स्वरूप से जो अतिरिक्त होता तो दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, बस में ना ये बता रहे। अच्छा इसलिए बोल दिया द्वितीयां पक्षम आदाय परिहरती, जैसे मैं हूँ मैं दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, आगे से मैं ठीक है। अच्छा लेकिन घटो अस्थि में क्या, घटो अस्थि में क्या है दो, घटो अस्थि में दो है, घटो अस्थि में कैसे पता लगा, घटो अस्थि में घट शब्द का अर्थ और जैसे मैं हूँ मैं दोनों से दोनों शब्द का अर्थ यदि एक कहोगे तो घटो अस्थि में क्यों नहीं कहोगे, क्या विचार करो। मैं हूँ मैं यदि मैं हूँ बोलते हैं ना अहम अस्मि, अहम शब्द का अर्थ और अस्मि शब्द का अर्थ एक कहोगे है ना भैया, इसी प्रकार घटो अस्थि में क्यों नहीं कहोगे दोनों शब्द का अर्थ एक ही है क्या देखो ऐसा है, ध्यान रखो मैं हूँ मैं ये भ्रांति नहीं है, अहम अस्मि ये भ्रांति नहीं है, क्या समझ है भ्रांति नहीं है, और घटो अस्थि ये भ्रांति है, दोनों में तादात्म्य है, क्या है दोनों में तादात्म्य, अस्थि अधिष्ठान है, क्या समझ है अस्थि अधिष्ठान है, और घट क्या है अध्यस्त है, हैं। और भ्रांति काल में क्या होता है अधिष्ठान और अध्यस्त को एक मान करके व्यवहार होता है, अब समझ में कि नहीं, पहले घटो अस्थि पोटो अस्थि में सर्वत्र अस्थि 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 अंश वो अधिष्ठान है, समझ में ना, ठीक है। श्रुति कहती है सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ब्रह्म अधिष्ठान है, आप ब्रह्म का स्वरूप क्या है सदैव सत का, ये सत अधिष्ठान है, अब उसमें जो भासेगा तादात्म्य होकर के वो क्या होगा अध्यस्त होगा, क्या होगा इसे घट पटादि सर्वत्र अध्यस्त है, कहाँ पर अस्थि अस्थि में, इसे दो अलग अलग है अस्थि और घट, अविवेक के कारण क्या है अविवेक के कारण दोनों को एक मान करके, बात समझे ना, ये विचार करना है, इसलिए घटो अस्थि में दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है, लेकिन अहम अस्मि में हाँ दोनों एक है, दोनों का स्वरूप एक है, ठीक है। तो व्यवहार करते हैं सब लोग मैं हूँ करके, हैं बोलो भाई, बोले भाई जल्दी बोलिए, हाँ हाँ प्रश्न प्रश्न पूछो, दुआ ना बोलो प्रश्न पूछो, हाँ क्या है किसमें, हाँ भित्त भिन्नता नहीं, तरंग 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 चलो टीका है पुनरोक्ति दोषस्य कह परिहार, अरे भाई दो शब्द का अर्थ यदि एक हो गया तो पुनरोक्ति दोष तो हो गया ना,
पुनरावृत्ति दोष हो गया है, इसका का परिहार, इसका परिहार कैसे करोगे पुनरावृत्ति का? अरे भई लोके तथा इच्छण, लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। आपको तो सरल उपाय बता दिया मैं हूँ करके, केवल इतना नहीं और भी व्यवहार देखा जाता है। दोनों शब्दों का अर्थ एक होने पर भी कभी कभी ऐसा प्रयोग किया जाता है ना? आप बताएंगे टीका है, लोके एवं विधेशु प्रयोगेशु पुनरुक्ति अभाव कुत्र दृष्ट। अरे वे लोक में ऐसा प्रयोग देखा जाता है, समान अर्थ दो शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, दोनों शब्दों का अर्थ एक होने पर ही प्रयोग किया जाता है ना? कहाँ पर दिखा गया कुत्र? व्यवहार दिखाओ, व्यवहार गया है ना, दृष्टांत बताओ। देखो बड़ा सुंदर कह रहे हैं, कर्तव्यम कुरुते वाक्यम ब्रूते धार्यस्य धारणम इत्यादि वासनाविष्टम प्रत्याशित सदितीरणम देखो बढ़िया कह रहे, कर्तव्यम कुरुते। देखो शब्द शब्द शब्दों का कमाल है, कर्तव्यम कुरुते, वो क्या कर रहा है वे? कर्तव्य, अपना कर्तव्य कर रहा, नहीं बोलते हिंदी में हैं, वो व्यक्ति क्या कर रहा है हाँ, वो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर रहा है हिंदी में, संस्कृत में कर्तव्यम कुरुते, देवदत्तः साधकः कर्तव्यम कुरुते। कुरुते का अर्थ क्या है? करता है, क्रिया, क्रिया। कुरुते में क्या है? क्रिया। कर्तव्य मतलब क्या है? करने योग्य, मतलब क्रिया करने योग्य। कर्तव्य का अर्थ क्या है? क्रिया करने, उसमें भी क्रिया आगे कि नहीं? कर्तव्य मतलब कर्तुम योग्यम कर्तव्यम, उसमें तो क्रिया है, क्रिया अर्थ तो आ गया कर्तव्यम कहने से है, जो अर्थ पहले शब्द से आ गया। किस शब्द से आया? कर्तव्यम है ना, जो अर्थ पूर्व और शब्द से आ गया उसी अर्थ को फिर कहा जाता है कुरुते, है कि नहीं? दोनों का अर्थ एक हुआ कि नहीं? कर्तव्य में भी क्रिया है और कुरुते में भी क्रिया है, व्यवहार में तो किया जाता है ऐसा। कर्तव्यम कर्तव्यम कुरुते। इसी वाक्यम ब्रूते, वाक्यम ब्रूते, ठीक है, जिसको बोला जाता है उसको क्या बोलते हो? वाक्य है, जिसको बोला जाएगा उसको क्या बोलते हैं? वाक्य है, बोला जाएगा, बोलना एक क्रिया होगी कि नहीं है, जिसमें हम बोलेंगे हैं, बोलने की क्रिया करेंगे उसको क्या बोलते हैं? वाक्य है। वाक्यम कहने से तो बोलना रूपी क्रिया आ गई अर्थ, उसी को फिर बोले ब्रूते, बोलता है, ये प्रयोग देखा जाता है, लेकिन जो तुम्हारे सिद्धांत ना पढ़े, तर्क ना पढ़े, फिर भी तो वो बोलता है, चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे ना पढ़ा हो तो बोलता ही है, लेकिन धार्यस्य धारणम, धार्य मतलब क्या? धारण करने योग्य। देखो शब्द ध्यान रखो, धार्य का क्या होता है? धारण करने योग्य, धार्य का धारण है, धार्यस्य धारण, तो धार्य कहने से धारण तो आ गया, फिर उसी को भी धारणम बोल रहे हो, है कि नहीं भैया? हाँ, इसी प्रकार कह रहे, इत्यादि वासनाविष्टम प्रति आसित सद इति इरणम। फिर श्रुति क्यों बोलती है भी कि सत आसित? श्रुति तो जानती है, वो तो सर्वज्ञ है कि नहीं? आचार्य लोग उपदेश कर रहे हैं उद्दालक मुख से, श्रुति बोल रही है
तो फिर श्रुति जो बोलती है वो किस अभिप्राय से बोलती है? देखो इत्यादि वासना विष्टम, अरे भाई इस प्रकार की वासना, इस प्रकार का संस्कार जिसके पास है, संस्कार से युक्त, वासना से युक्त व्यक्ति को बोलेंगे वासना विष्टम। किस प्रकार की वासना है? कि समानार्थक दो शब्दों का प्रयोग है करके जिसके चित्त में संस्कार बैठ गया है, जिसके चित्त में संस्कार बैठ गया है, ऐसे अधिकारियों को उद्देश्य करके श्रुति बोल दिया। क्या बोल दिया? सत आशीष है। जैसे देखो मैं हूँ, व्यवहार में कि नहीं, मैं हूँ करके जो व्यवहार हो रहा है, तुम कहाँ बोलते हैं ना मैं हूँ, मैं हूँ, तो मैं का अर्थ और अस्मि का अर्थ एक है। कब से व्यवहार कर रहे हो ये बोलो? अभी जो व्यवहार हो रहा है पूर्व संस्कार, अनादि काल से ये व्यवहार आप करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, मैं हूँ करके, है कि नहीं? यद्यपि शास्त्र के अनुसार दोष है, शास्त्र के अनुसार दोष है, समानार्थक दो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी पूर्व संस्कार लेकर के बोल देते हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार जो पूर्व संस्कार है कर्तव्यम कुरुते वाक्यम ब्रूते, उसको लेकर जैसे व्यवहार करते हो समानार्थक दो शब्दों का प्रयोग कर ले तो एक साथ। इस प्रकार ऐसे संस्कार से युक्त अधिकारी को उद्देश्य बना करके श्रुति बोल दिया कि सत आसीत सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत, तो कोई दोष नहीं है, व्यवहार चलता है, ये कह रहा है ना। इत्यादि वासना विष्टम प्रति, इस प्रकार संस्कार से युक्त जो साधक है अधिकारी है उनके प्रति, मतलब उनको उद्देश्य बना करके आसित सत, सत आसित इति ईरणम इति कथनम, किसने बोल दिया? श्रुति मतलब आचार्य उद्दल श्रुति के बोले करोगे, है ना? इसलिए कोई प्रति आसित उदाहरण है इत्यादि वासना विष्टम, वासना से युक्त कौन? अधिकारी श्रोता, उनके प्रति मतलब उनको उद्देश्य बना करके श्रुति बोल दिया। क्या बोल दिया? सत आसित, मतलब क्या तात्पर्य हुआ? सत का जो अर्थ होता है ब्रह्मा, आसित का भी वही अर्थ है, क्योंकि आसित का अर्थ सत्ता है, ऐसा नहीं कि सत्ता अलग है और ब्रह्मा अलग, ऐसा नहीं है। जैसे व्यवहार में घटो अस्थि पटो अस्थि है कि नहीं, तो घट शब्द का अर्थ अलग है कि नहीं, और अस्थि का अर्थ अलग अधिष्ठान, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सत का अर्थ अलग हो और आसित का अर्थ अलग हो, ऐसा नहीं, एक अर्थ होता है, ठीक है भैया? अर्थात तात्पर्य ये होता है कि जो सत्ता है ब्रह्म का स्वरूप है, सत्ता ब्रह्म से भिन्न नहीं, ठीक है, इतना समझना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति।